यूपीपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं श्रीकांत कश्यप। आज हम एनडीएमसी बिल्डिंग में खड़े हैं। श्रीकांत जी, एक चीज़ हम आपसे जानना चाह रहे थे कि जो डीटीएल को लेके जो अभी दो चार दिन पहले पे फिक्स किया गया और बाद में जो है समस्या आई, कर्मचारियों ने आपस में जो है आपने बात करी, कर्मचारियों से भी बात करी, यूनियन से भी बात करी कि इसको डी नोटिफिकेशन करना चाहिए, तो ये डी नोटिफिकेशन जो है क्या है, ज़रा हम आपसे जानना चाहते हैं। देखिए सर, डी नोटिफिकेशन ये है कि काउंसिल द्वारा प्रस्ताव पास किया जाता है जी, और इसमें डीटीएल को कंटिन्यू रखने के लिए एमएचए को प्रस्ताव पास करके हमें भेजना जरूरी है जी, क्योंकि पीछे काउंसिल ने पास करके ये हमारा डीटेल ख़त्म नहीं करने के लिए जो रिजोल्यूशन वहाँ एमएचए में भेजा उसे निरस्त करने के लिए अब स्पेशल काउंसिल मीटिंग बुलाकर उसे निरस्त करने के लिए डी नोटिफिकेशन का प्रस्ताव बहुत जरूरी है, उसे एमएचए भेजा जाए जी। ये सर डी नोटिफिकेशन है जी। तो आपको लगता नहीं कि डीटेल जो है वो बंद कर दिया गया है और ये अब जो प्रशासन द्वारा जो आपको दिया जा रहा है वो बिल्कुल कुछ नहीं है? सर ऐसा है, ये प्रशासन की मंशा ये है कि हमें हम सभी कर्मचारियों को डिटेल ख़त्म करके सीपीसी में डाला जाए डी और सी और ये ज़्यादातर इसमें 90% प्रशासन इसमें कामयाबी भी हासिल कर लिए जी, क्योंकि जब तक डी नोटिफिकेशन नहीं होगा जी, तो हमें डिटेल कंटिन्यू नहीं रहेगा जी, तो डी नोटिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है जी। तो एक सवाल और हम आपसे ले लेते हैं श्रीकांत जी, ये जो आरएमआर की समस्या है, मुझे लगता है कि एक काम एक समान जो एक सिस्टम बना था, तो आरएमआर को मतलब पक्का करने की, टीएमआर को आरएमआर करने की, ये समस्या जो है ये कितनी आप मतलब दुख की कारण है, परेशानी का सबब है, ये हम आपसे लेंगे। सर देखिए, आरएमआर कर्मचारी जो हमारे यहाँ काफ़ी संख्या में हैं, उनकी समस्या ये काफ़ी दिनों से लंबित हो रही है। करीब 3 साल से ज़्यादा का समय हो गया इन आरएमआर हुए हुए, इनका परमानेंट करने के लिए बार बार हम ये आवाज़ उठाते आए हैं एनडीएमसी सदस्यों से भी और प्रशासन से भी। अभी पीछे काफ़ी महीने से ही चल रहा था कि बार बार ये कहते हैं कि हमने एक टीम गठित कर दी है, लेकिन अभी तक उस टीम गठित तो कर दिया, उसने अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं सौंपी, काफ़ी समय हो गया जी। तो हम बड़ी उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी इसमें कोई टीम अपना रिजल्ट दे जी। तो इसमें एक कमेटी भी मतलब गठित हुई थी, वो जो आप जैसे बता रहे हैं, तो उसका रिपोर्ट मतलब क्यों नहीं आ पा रहा, क्या परेशानी क्या है, मतलब वो कुछ जो गठित हुई है वो एनडीएमसी के लोग हैं या मतलब डेपुटेशन पे लिए हुए हैं? सर वो हमारे ही यहाँ कुछ उसमें अधिकारी हैं, कुछ हमारे एनडीएमसी मेंबर हैं जो इस टीम के सदस्य हैं, हम उनसे बार बार ये विनती करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी आरएमआर कर्मचारियों के भविष्य के बारे में सोचते हुए इनके बारे में कुछ जल्दी से टीम अपने रिपोर्ट आगे पेश करे जी, और इनका कुछ भविष्य तय हो सके। श्रीकांत जी, मैं एक सवाल और आपसे लेना चाहूँगा कि जो डेथ केस, मैंने देखा है कि किसी भी सरकार में या किसी भी डिपार्टमेंट में डेथ केस जो होता है वो बहुत ही मतलब नाजुक होता है, उसका परिवार उससे जुड़ा हुआ होता है, लेकिन डेथ केस को 5% में जो है रखा गया है, उसमें जो है एक कमेटी बैठती है, उसमें डिसाइड करती है कि भाई ये ऐसा होना चाहिए, लेकिन डेथ केस के लिए आपके एनडीएमसी में क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या वो लोग झेल रहे हैं, यातनाएं झेल रहे हैं और क्यों नहीं उनको हो पा रहा है, क्या समस्याएं? देखिए सर, 5% कोटे के अलावा देखो, मृतक आश्रितों की संख्या कम से कम 500 से ऊपर जा चुकी है 98 के बाद जितने भी केस हुए हैं। हम बार बार प्रशासन से भी और अपने नेतागण जो हमारे सदस्यगण जो बैठे हैं, हम बार बार इनसे गुजारिश करते हैं, जिसका हमें कुछ समय पहले मुख्यमंत्री केजरीवाल द्वारा ये आश्वासन मिला और कि भाई जितने भी बाकी बचे हुए कर्मचारियों को हम आरएमआर किया जाएगा, हमें मतलब बड़ी उम्मीद है और बड़ी मतलब इस बारे में हम बार बार जाके मिलते हैं, तो हमें जल्दी से ये उम्मीद है कि मतलब इसमें कोई अपना कोई एक ऐसा आदेश जारी करे जिससे सभी मृतक आश्रितों को मतलब कोई परिवार के बारे में, कोई उनके जो आज जो उनकी दशा है उसके बारे में उनकी कोई अच्छी खबर आ सके। मेरे आपको नहीं लगता इसमें कि जो आरएमआर जो ये डेथ केस वाले हैं उनको डायरेक्ट आरएमआर भी कर सकते हैं, ना कि उनको आप मस्टॉल पर रख के 6 महीने का मस्टॉल देके 6 महीने करके टाइम बाउंड करते हैं, तो इनके साथ में एक ऐसा भी इनके पास में एक पावर हाथ में होती है आरएमआर को लेके, तो वो इसको यूज नहीं कर सकते? बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने सही कहा। देखिए यही उम्मीद है, क्योंकि मुख्यमंत्री साहब ने और बाकी सदस्यगणों ने यही आश्वासन दिया है कि भाई बाकी बचे हुए कर्मचारियों को डायरेक्ट हम आरएमआर किया जाएगा जी। तो ये हमें बड़ी उम्मीद है जी। और देखो, लेकिन इसमें हम बार बार निरंतर काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हैं कि बार बार मिलके अपनी बात कही जाए, लेकिन अभी इसमें कुछ हमें कोई ठोस कोई जवाब नहीं प्रशासन द्वारा। मैं एक आपसे सवाल लेना चाह रहा हूँ कि जैसे कि इनको जो है जल्दी से 2 साल के पीरियड में इनको निकाल देते हैं,
तो इनको जो है कम से कम एक कमरे का रूम तो प्रोवाइड करें ताकि ये दर बदर की ठोकरें ना खाएं, तो उसके लिए आपके पास कुछ? बिल्कुल सर, हम इस बारे में प्रशासन से लगातार बात करते रहे और बात करते रहेंगे, और आगे भी हम यही उम्मीद लगाए रखेंगे कि भाई जिस तरह का हम उस मृतक के आश्रित को किसी तरह का मतलब दर दर भटकने का और अन्य सुविधाएं उसे जो मतलब ना मिलना है, तो उन चीज़ों को हम कैसे प्रशासन द्वारा मुहैया कराया जाए, उसमें कैसे रिलैक्सेशन किया जाए जब तक उसे कोई सर्विस वगैरह नहीं मिलती। तो श्रीकांत जी, एक लास्ट सवाल हम आपसे लेना चाहेंगे कि ये आपने देखा होगा कि सभी जगह पे कांटेक्ट के लोगों को रख रहे हैं, लेकिन NDMC में एक काम एक समान कुछ ऐसे सिस्टम बना उसके आधार पे जो कांटेक्ट कर्मचारियों को ये पक्का नहीं कर रहे, RMR नहीं कर रहे या जो आपका, तो उसमें क्या बाधाएं आ रही हैं अभी तक? अभी तक सर ये है, आज से करीब 3 साल पहले ये रेजोल्यूशन पास हुआ है, समान काम समान वेतन, ठीक है सर, लेकिन आज 3 साल गुजरने के बाद में भी मतलब प्रशासन है और हमारे जितने भी बैठे हुए हमारे नेतागण हैं सदस्य, बार बार उनके पास गुहार लगाई जाती है कि भाई समान काम समान वेतन को इस रेजोल्यूशन को पास करके आप आगे बढ़ाइए, लेकिन इस बारे में हमारी कोई भी मतलब डिमांड बिल्कुल भी सुनवाई नहीं है सर। तो श्रीकांत जी, एक लास्ट सवाल लेते हैं, जैसे कि आप ये जितनी समस्याएं आपने बताई है ये बहुत कठिन समस्याएं हैं और इस पे बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, अगर ये आपकी समस्याएं अगर नहीं सुनता प्रशासन, नहीं मांग पूरी होती, तो आपका क्या रवैया रहेगा कर्मचारियों का और यूनियनों का? देखिए सर, कर्मचारी अपनी डिमांड निरंतर मांगता रहेगा, और अभी हमने फिलहाल डी नोटिफिकेशन के उसमें 10 दिन का हमने प्रशासन को नोटिस दिया है, 10 दिन के बाद अगर हमारी ये डी नोटिफिकेशन वाली डिमांड नहीं मानी गई और बाकी हमारी RMR वाली, डेथ केसेस वाली और कॉन्ट्रैक्ट वाली नहीं मानी गई, हम अपनी यूनियन की बैठक बुला के एक बात करके फिर देखेंगे किस तरह से हमने डेमोस्ट्रेशन करना है या अपनी आवाज़ को किस तरह से प्रशासन की आंखें खोलने के लिए हमने अपनी बातें रखनी है। तो ये थे हमारे साथ श्रीकांत कश्यप जी, इन्होंने जो है NDMC की जो समस्या थी उससे रूबरू कराया हमें, बहुत समस्या है, डेथ केस की समस्या है, RMR की समस्या है और आपका कॉन्टैक्ट की समस्या है और DTL डी नोटिफिकेशन की समस्या है, तो इन्होंने आज हमें बताया कि किस तरह से ये कर्मचारी जो है NDMC के जो जूझ रहे हैं ऐसी समस्याओं से।